अस्सलाम वालेकुम दी व्लॉगर्स, माय नेम इज़ दाऊद। यार काफ़ी दिनों से ना मेरे दोस्त वगैरह कह रहे थे यार कोई फोटोग्राफ टिप्स दे मुझे, हमें कोई फोटोग्राफ टिप्स दे, तो मैं उनको आज उनके लिए स्पेशल वीडियो लेके आया हूँ। क्योंकि दूसरा बंदा नहीं था, वो दूसरा बंदा ढूंढ लिया, दूसरा मोबाइल ढूंढ लिया, तो देखिए और इन्जॉय करिए इस सीन को और फोटोग्राफी टिप्स को। अच्छा, जो सबसे पहले टिप्स हमारी वो ये है कि आपने मोबाइल पकड़ा हुआ है। अच्छा, अब मोबाइल जो है ना वो 16:9 पे आपने रख लेना है। उसमें क्या होगा, वाइड तस्वीर आएगी, काफ़ी वाइड इस तरह आएगी कि जैसे ये खड़ा ना हमारा मॉडल सामने खड़ा है, तो ये सामने मॉडल खड़ा है, ठीक है। अब क्या चीज़ है कि अगर मैं मॉडल को लेके आता हूँ इस तरफ, मतलब कि मॉडल को इस तरफ ये इस तरफ देख रहा है ना, तो आपने मॉडल को इस तरफ रखना है और पास ले आना है, तो ये आपकी शॉट होगी। मैं दिखा दूंगा आपको कैसी तस्वीर खींची मैंने, ये तस्वीर खींच चुका हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद अगर मॉडल आपका सूरज के सामने है, ठीक है, और आप मॉडल को देखेंगे ना, तो मॉडल अब क्लियर आ रहा है, बैकग्राउंड भी क्लियर आ रहा है। अब समटाइम्स जब आप पोर्ट्रेट खींचते हैं बैकग्राउंड ब्लर हो जाता है और फ्रंट जो है वो क्लियर रहता है। अब सूरज सामने से जब पड़ा होता है ना, तो ये होता है कि देखें सूरज सामने से पड़ा है, तो इस क्लैरिटी इस मॉडल की ज़्यादा आएगी। अब ये मॉडल उस तरफ देख रहा है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, इस मॉडल को रखना है यहाँ पे कैमरे के इधर, ठीक है, यहाँ पे स्पेस छोड़ देनी है, जैसे कि ये ठीक है, स्पेस छोड़ देनी है। मैं आपको तस्वीर दिखा दूंगा बाद में, तो इससे क्या होगा कि काफ़ी अच्छा आएगा व्यू, साइड पे बैकग्राउंड भी आएगा और ये भी सही आ जाएगा। अब मॉडल आपका बिल्कुल स्ट्रेट देख रहा है, मेरी तरफ देख रहा मॉडल, ठीक है, सीधा खड़ा आपका मॉडल, तो आपने क्या करना है, मॉडल को दरमियान में रखना है, ठीक है, मॉडल दरमियान में है, बिल्कुल दरमियान में। अच्छा, आप दरमियान में सीखने का मतलब ये कैसे पता चलेगा आपको कि मॉडल बिल्कुल दरमियान में है, आपके मोबाइल के अंदर एक ऑप्शन होती है ग्रिड वाली, वो ग्रिड वाली ऑप्शन ऑन कर लें, तो उस ग्रिड की जो डबल लाइन है उसमें मॉडल का फेस ले आए, ठीक है। अब जैसे ये मॉडल खड़ा है हमारा सामने देख रहे हैं मॉडल, तो इसको खींच ली तस्वीर, तो वो तस्वीर आप देख लेंगे कैसी आई है। उसके बाद मॉडल राइट साइड पर देख रहा, मॉडल राइट साइड पर देख रहा, तो आपने क्या करना है, मॉडल को लेफ्ट साइड पर रखना है, जो डबल ग्रिड आ रही है इसको लेफ्ट साइड पे रखना है, ठीक है, मॉडल फुल लेफ्ट पे होगा। उसके बाद आपने तस्वीर क्लिक करनी है, इसमें क्या होगा कि ये वाला बैकग्राउंड ज़्यादा आएगा और ये वाला कम आएगा। और दूसरी टिप ये है, अब अच्छा ये तो इंसानों के लिए है ना, इंसानों के लिए तीन चीज़ें हैं, अगर सामने देख रहा है तो दरमियान में रखना है, अगर इधर देख रहा है तो ऐसे रखना है, और अगर उस तरफ देख रहा है तो ऐसे रखना मोबाइल को, ठीक है। ये तो हो गई कुछ टिप्स जो कि इंसानों के लिए हैं। अब ऑब्जेक्ट्स के लिए आ गई, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, उसके अलावा ये पौधे लगे हुए हैं, उसके अलावा लैंडस्केप का भी बताता हूँ आपको अभी, तो अभी पौधों की बारी है। अब क्या सीन है कि ना ये फ्लावर है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये सिंपल एक फ्लावर, मैंने इस पर फोकस कर दिया, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि ये आप लेफ्ट ये लाइन देख रहे हैं सूरज की, ये किरण पड़ रही है एक, जिसकी वजह से ना मोबाइल में मतलब डिस्ट्रप्शन आ रही है, जिसको नहीं पता मतलब कि नॉइस काफ़ी ज़्यादा आएगी तस्वीर के बाद। मैं आपको तस्वीर खींच के दिखा देता हूँ, तो ये तस्वीर आएगी। तो अब क्या सीन है कि आप ऐसे करेंगे ना, तो बैक लाइट यहाँ पे आएगी और आपको ना इसकी ग्रीनरी नज़र आएगी, लेकिन आपने जब भी तस्वीर खींचनी है ना किसी भी फ्लावर की, तो क्या करना है, फ्लावर को मिड पर रखना है, साइड पर स्पेस छोड़नी है, अगर ये नहीं छोड़ेंगे तो आपकी तस्वीर फजूल लगेगी। उसके अलावा जब आप मैक्रो फोटोग्राफी करना चाहते हैं, ठीक है ना, तो आपने क्या करना चाहिए, ये फ्लावर मेरे पास और इसको मैंने फोकस किया, ये फोकस हो गया, ठीक है। तो जैसे ही मैंने फोकस किया ना, मैं जूम करूँगा थोड़ा सा, जूम करने के बाद मेरे पास जो पिक्चर आएगी ना वो बड़ी हाई क्वालिटी होगी, क्योंकि मैं मिड में रखा हुआ है। अगर मैं ऐसे करके रखता हूँ, देख लें आपके सामने, ये तस्वीर इतनी परमानेंट अच्छी नहीं लग रही। अगर मैं इस तरफ रखता हूँ तब भी अच्छी नहीं लग रही। अगर मैं बिल्कुल मिड में रख के थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, तो ये देखें मैंने ज़्यादा से ज़्यादा इसका एंगल कवर कर लिया, ठीक है, और ये तस्वीर बहुत अच्छी आएगी। मैं दिखाता हूँ भी आपको, तो एक ये टिप होगी फ्लावर की, कि फ्लावर में भी जैसे इंसानों को करते हैं दरमियान में रखते हैं, फ्लावर को भी आपने इसी तरह करना है। वो क्या है, सारा आपका जेहन पे है कि आप किस तरह माइंडसेट रखते हैं अपना, किस तरह आप चाहते हैं तस्वीर को करना, तो वो सारा आप पे डिपेंड है। उसके बाद बात आ गई लैंडस्केप पे। अब लैंडस्केप पे ये देखें, आप ये हमारे पास लैंडस्केप है, मैं इस वक्त रावी के पुल के पास आया हूँ, ठीक है। अब लैंडस्केप में ना जब आप लैंडस्केप दिखाते हैं ना, तो आपका काम होता है कि आप आधा स्काई दिखाएं और आधी ज़मीन दिखाएं, ना पूरी ज़मीन हो ना पूरा आसमान हो, ठीक है, इसको मिड में रखना है।
जब आपने ग्रिड ऑन की होगी ना तो दो लाइनें इस तरफ जा रही होंगी, मतलब दो ऐसे होती हैं और दो इस तरह होती हैं। आपने ये जो सीन है ना इसको रखना है, ये जो ग्रिड है, ये जो ग्रिड आपकी आएगी ठीक है, उसके दरमियान आपने अपना जो पोर्शन दिखाना चाहते हैं वो रखना है, जैसे ये है। अच्छा, अब ऐसे लैंडस्केप में, जैसे ये सारा लैंडस्केप है ठीक है, सारा सीन है, आप इस सारे को कैप्चर करना चाहते हैं, या तो आप एक शॉर्ट वीडियो बना लें या तो आप पैनोरामा बना लें। पैनोरामा कैसे बनाते हैं? पैनोरामा इस तरह बनाते हैं कि आप अपने मोबाइल की ऑप्शन में जाएं, वहाँ पे पैनोरामा की ऑप्शन होगी, उसको क्लिक करें और आप हो सकते हैं, मतलब उसको खींच सकते हैं। और हर मोबाइल के अंदर एक एक्सटर्नल ऑप्शन होती है, किसी किसी मोबाइल के अंदर होती है, किसी किसी मोबाइल के अंदर नहीं होती। अब किस मोबाइल के अंदर नहीं होती ये आपको चेक करना पड़ेगा, मेरी लेटेस्ट वीडियो जो है हाउ टू चेक कि जी कैम वो आपके वर्क करता है कि नहीं, हाउ टू चेक जी कैम इज सपोर्टेड इन योर मोबाइल और डिवाइस, वो आप चेक कर सकते हैं। तो ये है कि अगर आपका चलता है तो ठीक है, अगर नहीं चलता तो आपका जो मोबाइल है उसके अंदर दूसरी ऑप्शन भी नहीं होंगी। अगर वो आपके अंदर ऑप्शन हैं तो मैं उसकी भी एक लता वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी। तो बस आज के लिए इतना ही ठीक है। उसके अलावा आपको फ्रंट फेस का भी दिखाता हूँ कि जब सेल्फी कहनी है तो किस तरह आपका, मतलब जब वीडियो बनानी है, आप व्लॉगिंग वगैरह कर रहे हैं तो आपका फेस किस तरफ आना चाहिए, किस तरफ नहीं आना चाहिए, वो भी दिखाता हूँ आपको। तो इस वक्त मैं खड़ा हूँ, सामने सूरज है ठीक है, मेरी आंखों में पड़ा है, मेरी आंखें ना वो बंद हो रही हैं, तो ये सही एंगल नहीं है। एंगल जो बनेगा ना वो ये बनेगा। अब इसमें क्या है कि बैक लाइट सही है, मेरी आंखें सही तरह ओपन हो रही हैं, उसके अलावा मेरा फेस आधा आ रहा है, उसके अलावा क्या सीन है कि और काफ़ी चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं। अब देख रहे हैं, मैं बना रहा हूँ वीडियो, ये वाली स्टेबलाइजेशन नहीं है ठीक है, हिल रहा है मोबाइल, कैमरा हिल रहा है ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ आपको जी कैम की फ्रंट कैम से बनाई हुई वीडियो। अच्छा, अब मैं बना रहा हूँ जी कैम से वीडियो, मैं चल भी रहा हूँ ठीक है, मैंने ऐसे किया तो ये इसने खुद ही अपना सेट कर लिया, उसके बाद मैंने ऐसे किया तो आप देख सकते हैं वीडियो क्वालिटी पिछली और अगली, पिछली स्टॉक थी और लेकिन स्टॉक मेरा वाइड इसलिए था क्योंकि उसमें स्टेबलाइजेशन नहीं थी। आपको एक और टिप देना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे कि जब मोबाइल के अंदर स्टेबलाइजेशन होती है, ये इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन, मतलब EOS इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसमें आपके फ्रेम क्रॉप कर देते हैं, और वो जो फ्रेम क्रॉप करते हैं वो आपको मैं फिर आगे आने वाली वीडियो में समझाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फ्रंट वीडियो में बस आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो ग्रिड ओपन की हुई आपने ठीक है, आप इधर हैं या व्यू दिखा सकते हैं ठीक है, अगर आप बात कर रहे हैं तो आप दरमियान में आ जाएं, अगर आपने राइट वाला व्यू दिखाना है तो आप ऐसे दिखा सकते हैं ठीक है। उसके अलावा अगर आपका पूरा फेस नहीं आ रहा तो नो प्रॉब्लम, लोगों को आपके फेस से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोगों को बातों से प्रॉब्लम है, अगर आप बातें उनको अच्छी बता रहे हैं तो वो देखेंगे, जैसे कि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं पूरी, और अगर नहीं तो नहीं देखेंगे, शुरू से नहीं देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कंप्लीट रिव्यू दूंगा, क्योंकि वो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी ये वाली। तो अभी के लिए बस इतना ही, अगर आपको समझ आई है तो लाइक करें, नहीं आई तो कमेंट करें, डिसलाइक नहीं करना, कमेंट करना है और बताना है कि किस चीज़ की कमी है, क्या चीज़ और चाहते हैं आप। उसके अलावा DSLR भी इंशाल्लाह निकालूंगा।